आया कोई नहीं कोई चक्कर नहीं घरे मरे नहीं घरे मरे तो मर गए थे इतने आप दल पड़ता रहा मेनू आज मौत बहुत पता है जलालाबाद के पिंड नथू चिश्ती की ढाणी विखे जमीन नू लैके विवाद खड़ा हो गया। साबका MLA दे पुत्तर ने कुछ लोगों ते धक्का करन दे इल्जाम लगाए ने जिसनू लैके उसके वलों पुलिस नू शिकायत दर्ज करवाई गई ते पुलिस दे वलों मामले की जाँच शुरू की गई। दसिया जा रहा है कि जिस व्यक्ति का जमीन नू लैके रौला है वह जलालाबाद के साबका विधायक फुम्मण सिंह का बेटा है जो कि 1957 दे विच विधायक सी जिन्हां दे पुत्र सुरेंद्र सिंह ने कुछ जमीन खरीद ली सी जिस नूं लै के विवाद पैदा हो गया। साबका MLA दे पुत्तर ने उसके घर दे विच वड़ के कुटमार करन अते कुछ लोगों नूं गंभीर रूप दे विच जख्मी करन दे दोष लगाए ने। जलालाबाद हल्के दे पिंड नथू चिश्ती दी ढाणी वातो सुरेंद्र सिंह नां दे व्यक्ति ने दस्सिया कि उह जलालाबाद दे साबका विधायक फुम्मण सिंह दा बेटा है। साबका विधायक जलालाबाद फुम्मण सिंह दे पुत्र सुरेंद्र सिंह ने दोष लगाए कि उसने एक साल पहला प्रेम सिंह वगैरह तो जमीन खरीदी सी अते उस समय विच फसल खड़ी सी जिसके चलदियां जमीन वेचण वालियां ने कहा सी कि फसल वढ़ के तुहानू कब्जा दे देंगे तो हुण जब उसनू कब्जा मिल गया तो उसने कणक बिजाई की। इस तों बाद कुछ लोगों के वलों उसकी कणक वाह दी गई अते उसके घर पर हमला भी किया। साबका विधायक के पुत्र ने कहा कि उसनू अते उसके परिवार को घर के बंदी बना के काफ़ी समा घर के बाहर खड़े होकर धमकियां दित्तियां गईयां जो सारा CCTV दे विच कैद हो गया जिसके आधार पर हुण साबका विधायक का बेटा दोषियों पर कार्रवाई की मंग कर रहा। इस मामले के साबका विधायक के पुत्र वालों थाना अमीर खास विखे शिकायत भी दर्ज करवाई गई और पुलिस के वालों शिकायत के आधार पर इस मामले की जांच पड़ताल आरंभ की गई। सुरेंद्र सिंह मेरा नाम है फुम्मण सिंह सहमल का मुंडा मैं ये सवेरे आए ने जमीन वाही आ जमीन वाह आते मेरे हमला करता करे कहने तेन जानो मार देना है तेन टाणी तो काट देना है तो तू इतने तो निकल जा जमीन जा तुम 5.5 लाख रुपया दे तो मैं मेरे को जनाब कितने जिन्हें जमीन खरीदी मैं तो रजिस्ट्री मेरी हुई भी इंतकाल मेरा हुआ जमीन मेरे ना है ये मैंने जमीन नहीं तीन गुना वाहन देंगे कहते जरूर गलत देंगे नहीं ये जमीन चढ़िया तेन जानो मार देंगे जेडे बंद जमीन अगर चौना चुक लें तो मैंने प्रेम सिंह को जमीन ली सी तो कहना चौना चुक लें तो कणक तुम माप बीज तो देंगे जमीन ली जी सू हो गया पिछले साल हो गया सू इत जी तो जो जमीन वाही मैं क्या वाह दे कहना तू जमीन बड़ी ना जे जमीन तू बड़िया तो जमीन मेरी है तू जमीन लगता की है तेन जान तू मार देंगे पैसे जी सारे अपड़ के देंगे मैंने जी जमीन दें जी सौदा वैसे 21.5 लाख का 42 लाख रुपये बना है जमीन आप मैं लई इन्हें को 14 कनाल तो 19 मरले ठीक है तो वाह मैं 12 कनाला जी ठीक है हाँ जी बाकी जमीन जी मेरी नहीं वाह दी 2 कनाला 19 मरले जी 3 कनाला जी दोवें भरा जुड़ के नाप से कहें मेरे जमीन वढ़न नहीं देना सी नहीं जमीन एक ना जी प्रेम सिंह ना देगी जी मैं तरका खाता है ना जी ये नाप से वंडी भी हिस्सा कढ़िया वंड देना मैं रखी भी जमीन आरजी तौर पर तो जमीन से ली थी मैं किसी बंद सज्जन को गहने से सज्जन को सारी जमीन जी देगी सी जिनी की सी तो पैसे मैं दिते ने वो उन्हें को जी गए ना जमीन देना अगर गए अपने कागज सारे मेरे को पे ने तो देने के बाद कहते तुम जमीन जी आ जमीन हैगी सर कब्जे वाली तो अज ये मैं तो धक्का कर रहा जी दूजी दी जी सवार सिंह के मुंडे तो उनका परिवार सारा तो इन्हें मंगवाए ने सकेरे चु भी आदि बोआ के मुंडे भी मंगवा लिया ट्रैक्टर भी सकेरे चु आया जी सवार सिंह की पैन है वो जी आम दिन वाई जमीन जी उस शिकायत की जी परचा जी आया सी मिले नहीं सी ना सच मिला सी गया फाइल का हाँ जी कहते चलो अभी मार कर दे मंग कहते सर जी जरा बनता है इंसाफ चाहिए सू जो परचा बनता है खरे मारन का आए ने सू तो इंसाफ चाहिए है तो जमीन सारी जी है जी जमीन वाही नहीं सा जी फसल गड्डी भी तो सूँ बस इंसाफ चाहिए जी
ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭਰਾ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਮੋਕ ਬਰਾਈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਆਪ 'ਚ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਦੋਵੇਂ ਹੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਟਾਣੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪਿਆ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਆਏ ਆ ਬੂਹੇ 'ਤੇ ਟੰਬੇ ਟੰਬੇ ਮਾਰਦੇ ਰਿਹਾ, ਸਵੇਰੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਸਲ ਵਾਹ ਤੀ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਵਾਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖੜਿਆ ਸੀ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਭੰਨਤਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਾਲ ਗਲੋਚ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਾਰਨ ਧਮਕੇ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਮੰਗ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਦੇ ਖਤਰਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਮਾਰਨ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੋਠੀ ਪਾਣ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਘਟਣਾ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਇੱਥੇ, ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਮੰਗ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਰਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ, ਪੈਲੀ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਵਿਕਾ ਦਿਓ, ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਲਾਉਣ ਤਰ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਟੇਜ 2 ਲਿਆ ਕੇ ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ, 1.5 ਲੱਖ ਦਾ ਜੀ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੀ, ਇਹ ਕਨਾਲ ਘੱਟ ਗਈ 2 ਕਿੱਲੇ ਜੀ, 1 ਮਰਲੇ ਘੱਟ ਗਏ। ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ, ਬਸ ਹੋਰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਦੂਜਾ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਇੰਟੀਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਹੀ ਦਰਖਾਸਤ ਵਸੂਲ ਹੋਈ ਹੈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਜੀ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਫੁੰਮਣ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਢਾਣੀ ਨੱਥੂ ਚਿੱਤੀ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਜੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੋਈ ਝਗੜਾ, 3 ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ, 2 ਕਨਾਲ, 19 ਮਰਲੇ, ਬਾਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਇਹ ਦਰਖਾਸਤ ਮਸੂਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਐਸਆਈ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ ਜੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਵੇਖ ਕੇ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।